हमारे सदर अख्तरुल ईमान साहब पूरी विस्तार से आपको बतलाएंगे पूरी जो पॉलिटिकल कैंपेन जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो शुरुआत किए किशनगंज से पाटलिपुत्रा तक और इंजीनियर अफ्ताब साहब बताएंगे। एक बात कहना चाह रहे हैं, फातमी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो फातमी साहब जज्बात में कुछ कुछ बोले हैं तो पॉइंट 1, 2, 3 करके उनका जवाब देना चाहते हैं। उम्मीद है कि फातमी साहब को आप पहुँचा दीजिएगा। पहला बात फातमी साहब से पूछिए कि फातमी साहब ने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बचाए थे या हम किए थे, तो फातमी साहब की सेहत और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सेहत में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। फातमी साहब 2 बजे दिन में उठते हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फजर में उठते हैं, और ये दुनिया का कोई भी नाबीना भी बोलेगा कि फातमी साहब कभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं बचा सकते हैं। अंडर 19 का खिलाड़ी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, टर्किश जिम का एक्सपर्ट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, माशाल्लाह फिजिकली हर मामले में फिट, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो ये बात जो उन्होंने बोला पार्लियामेंट में तो ये झूठ बोलना है। और सालार का भी सेहत, सालार भी माशाल्लाह फातमी साहब जैसे जैसे 2-4 को तो आराम से संभाल लेते होंगे, इसलिए झूठ नहीं बोले। पार्लियामेंट में जब प्रभुनाज सिंह जी ने फातमी साहब को गाली बक्का था तो ना लालू जी खड़े हुए थे, उस वक्त रेल मंत्री थे, ना जयप्रकाश जी खड़े हुए थे, यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फातमी साहब का बचाव किया था। ये एक सच्चाई है पार्लियामेंट का, वीडियो फुटेज उठा के देख लीजिए, उनका चेहरा काला बन गया था और उसके बाद बैरिस्टर साहब उनके लिए खड़ा हुए थे। फातमी साहब से पूछिए कि आज शहाबुद्दीन साहब की बेवा चुनाव लड़ रही है, उस पर उनके मुंह से बोली निकल रहा है, ये फातमी साहब से पूछिएगा कि जो शहाबुद्दीन साहब ने उनको टिकट दिलाया दरभंगा से, जो शहाबुद्दीन साहब ने अपने कोटा से लालू जी को बोलकर मंत्री बनवाया, उस शहाबुद्दीन की साहब की बेवा आज अकेले चुनाव लड़ रही है, इनकी औकात नहीं हुई कि लालू जी को बोलने की। और फातमी साहब बताएं कि क्यों वो जदयू में गए थे, भाजपा और जदयू में फातमी साहब गए थे, इनका बेटा मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी का फोटो लगाकर चुनाव लड़ा है 2020 में, केओटी से भगाया तो दरभंगा ग्रामीण आया, वो फातमी साहब को मुसलमानों के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उससे बड़ी बात, कल फातमी साहब लालू यादव जी से मिलने गए थे, लालू जी पैर रखे हुए हैं, फातमी साहब की इतनी औकात नहीं हुई कि बगल में कुर्सी में बैठ जाए, तो मुसलमानों को हिस्सेदारी, पहले अपनी हिस्सेदारी दे तब मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करेंगे। फातमी साहब बताएं कि क्यों भाजपा में जदयू में बाप बेटा दोनों गए थे, सिटिंग MLA बेटा राजद से था और वो गए थे भाजपा में। CNRC पे फातमी साहब एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, आमिर हंजला शहीद हुआ, डब्लू भाई पोस्टमार्टम कराएं, गवाह रहे, केस में खड़े रहे, फातमी साहब बतलाएं कहाँ थे, उनके क्षेत्र का मधुबनी का असगर साहब मरूम, उसको CRPF कांस्टेबल चेतन शर्मा ने मारा, फातमी साहब उसके घर में पुरसा तक लेने नहीं गए, वो हैं फातमी साहब। हाफिज साद को शहीद किया गया गुड़गांव में, उसको कंधा देने के लिए इंजीनियर आफ्ताब साहब, अख्तर साहब MIM गई, माली मदद भी की, वही पुपरी और वही सीतामढ़ी के थे जो फातमी साहब के घर से, उन्हीं के पार्लियामेंट्री सेगमेंट से सटा हुआ इलाका, लेकिन फातमी साहब नहीं गए, ना गुलनास पर बोले, ना सनोबर पे बोले, ना उस पर बोले, वो जो नौजवान उसको जो 53 साल का आदमी छपरा में मॉब लिंचिंग हुआ उस पर बोले, मदरसा अजीजिया जल गया, फातमी साहब की औकात नहीं हुई कि मदरसा अजीजिया पे बोलने का। तो फातमी साहब को मुसलमान का लीडर नहीं है, ब्रोकर हो सकते हैं, दलाली कर सकते हैं, दरबारी कर सकते हैं, फातमी साहब मुसलमान का रहनुमा नहीं हो सकते। उनके साथ आज MIM की ताकत देख लीजिए, लालू जी 20 साल बाद इमारत शरिया फुलवारी में, लालू जी, रबड़ी जी और पूरा लालू परिवार जो आमिर हंजला के घर नहीं गया लेकिन आज आपके यहाँ भीख मांग रहा है वोट के लिए, यही मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की ताकत है, यही आपकी कामयाबी है। और फातमी साहब से पूछिए, सिद्दीकी साहब से पूछिए, शकील साहब से पूछिए कि फयाज साहब से, ना आमिर हंजला के आगे, वही अलीनगर का रहने वाला है, ना हाफिज साद के आगे, वही मिथिलांचल का रहने वाला है, ना असगर क्या गए। इतनी औकात होती है अगर सिद्दीकी साहब की तो उनके सामने कल का लौंडा संजय यादव चला जाता है राज्यसभा और इनको MLC बना दिया जाता है। शरद यादव जी के परिवार को धोखा दिया गया, यही लालू परिवार ने, एक भी अशफाक करीम साहब को राज्यसभा नहीं गया, एक मुसलमान को नहीं भेजा, जो संजय झा अपने बूथ पर अपने झा जी का, अपने बिरादरी का भाजपा को वोट मिलता है उनके बूथ पर, वो नहीं दिला पाते हैं और उनको राज्यसभा भेजा जाता है। और 18% मुसलमान को 2 टिकट और लालू जी के परिवार में 11 आदमी में 2 टिकट, इनकी बेटी को 2 टिकट, इनके बेटा को 1, इनकी पत्नी को 1, लालू जी खुद मुखिया बने हुए, ये मुसलमानों की स्थिति ये बनाए हुए मुसलमान, इनको 18% मुसलमान चपरासी क्वार्टर से
तेजस्वी यादव याद करे, मीसा जी याद करे कि कहाँ चपरासी क्वार्टर का बर्थ सर्टिफिकेट था, 10 सर्कुलर रोड और एक अन्य मार्ग मुसलमानों ने पहुँचाया। लेकिन शहाबुद्दीन साहब की लाश को कंधा देने वाला, पुरसा देने वाला ये लालू जी का परिवार नहीं रहा। मुसलमान अपनी क्यादत का लड़ाई लड़ेगा। 32 सीट में आपने 2 मुसलमान को दिया, वो भी भाई भाई को लड़ाकर अररिया में दिया आपने। उसके बाद फातमी साहब जो दरभंगा से रिजेक्ट होके मधुमनी, उनको दिया। MIM ने मल्ला को भी दिया, भूमियार भाई को भी दिया, राजपूत को भी दिया, यादव को भी दिया, अति पिछड़ा को भी दिया और मुसलमानों को दिया। हम मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करने आए हैं। फातमी साहब बताएं कि किसकी दलाली करने आए। अब हमारे रियासती सदर विस्तार से पूरी बात बोलेंगे। जनाब आदिल हसन साहब ने बड़ी तफसील से बातें पेश कर दी हैं। चूँकि इलेक्शन का ज़माना है और मुस्लिम वोटरों को कहीं ना कहीं से दिग्भ्रमित करने या फरेब में डालने की कोशिश की है जनाब अली असरफ फातमी साहब ने, ये वसूल थे कि जिनके दांत खुद मैले हों उसको मंजन का कारोबार नहीं करना चाहिए। अवैसी साहब पर उंगली उठाने से पहले काश ये मोहम्मद अली असरफ फातमी साहब, जिनकी हम लोग बड़ी इज्जत करते हैं, उन्होंने अपने गरेबान को झाड़ दिया होता, अपने बेटे को 2020 में NDA के टिकट पर इलेक्शन लड़ाकर उसने ये बता दिया है कि मैं मुस्लिम दुश्मन भाजपा से कोई नफरत नहीं रखता हूँ, मैं अपने मुफाद के खातिर कहीं भी जा सकता हूँ। तो जो आदमी मुफाद परस्त हो सकता है वो वसूल परस्त नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि अभी 1.5-2 महीना कबल तक वो जदयू में थे, उस जदयू में थे जो जदयू भाजपा के साथ, और ये आखिर दम तक ये उम्मीद पर है कि उस किसी कोटे में, चाहे दरभंगा में हो चाहे इसमें हो, भाजपा और जदयू की तरफ से उनको टिकट दे दिया जाए। जब वहाँ पर टिकट मिलने की कोई उम्मीद इनकी बाकी नहीं रही तो ये फिर से लौट कर राजद में आए, जिसको कहा जाता है दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। और इनको ये बड़े पाए के लीडर हैं, इत्तफाक से मनमोहन सिंह साहब के कैबिनेट में बीमार अर्जुन सिंह के साथ ये वजीर थे तो बड़ा अच्छा मौका इनको काम करने का मिला था, लेकिन कोई काम का सबूत बता दे छोटे मोटे कामों के अलावा। लेकिन अगर गैरतें मिली होती और हमियतें मिली अगर होती फातमी साहब में, तो आंखें खोलकर देख लें वो HD देवगौरा जनता दल सेकुलर जो ही भाजपा से पेंगे बढ़ाती है, हाथ मिलाती है, CM इब्राहिम जो वहाँ के रियासती सदर हैं उन्होंने टॉप टू बॉटम जो मुस्लिम लीडरशिप थी पंचायत लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक सब लोगों ने एक साथ रिज़ाइन कर दिया कि देवगरा साहब आप सुब्रतन की लड़ाई लड़ रहे थे, आप BJP के साथ चले गए हैं, हम आपके साथ नहीं जा सकते। अगर यही गैरत होती और जिस वक्त नीतीश कुमार जी ने BJP से हाथ मिला लिया, फातमी साहब को भी रिज़ाइन कर देना चाहिए था। जब आप रिज़ाइन खुद नहीं किए और आप मोदी जी वाले गठबंधन में बैठे हुए रहे मुसलमानों के मामले में या फिर BJP का डर दिखाने में, आपको पहल नहीं करनी चाहिए। मैं फिर दोहरा कर यही बात कहूँगा, जिनके दांत मैले हों उसे मंजन नहीं बेचना चाहिए। जो खुद मिल्लत को फरेब में डालता हो, मिल्ली हमदर्दी का राग उसको नहीं अलापना चाहिए। इन लोगों को मिल्लत अच्छी तरह से पहचानती है और उनके तमाम तर मामला को अच्छी तरह से जानती है। मैं तो कहूँगा भी उनके अल्फाज में जो कल देखा कि ये कहीं दिल से नहीं कर रहे थे, लगता है कहीं से उस पर जबर हो रहा था, कहीं से उसको दबाव दिया जा रहा था, कहीं से उसको डायरेक्शन मिला था कि भाई वो आए हो तो वफादारी का सबूत दो। वो बेचारा कल वफादारी का सबूत के तौर पर, सबूत वफादारी के तौर पर लब कुशाई कर रहे थे। बहरहाल इस किस्म की हरकतों से हमारे बुजुर्गों को तो बहरहाल किनारा कर सकता।